हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि ढाबा स्टाइल एग करी कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने 4 अंडे लिए, इसको उबाल के फ्राई कर लिया है। तेल, हल्का सा तेल डाल के इसको फ्राई कर लें हल्का हल्का। एक प्याज, एक बड़ा टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, अदरक के टुकड़े और एक हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा दही, पानी और सरसों का तेल, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हमने गर्म होने देना है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने भूनना है, हल्का गुलाबी कलर आने तक इसको भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है, अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े डाल देंगे और इनको भी हमने थोड़ी देर भूनना है। और इसमें डाल देंगे मसाले, धनिया पाउडर और जीरा, हल्दी और मिर्ची हम बाद में डालेंगे। इसको हल्का सा मिक्स करके इस तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं और टमाटर को अच्छे से हमने टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड करना है। मसाले को ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी तेल डाला है मसाले में। अब इसको गर्म होने देंगे तेल को। तेल गर्म हो गया, अब इसमें ये मसाला डाल देंगे। दही डालना है, 2 चम्मच दही डालेंगे। ये छोटा चम्मच है, इसलिए 4 चम्मच डाल दिए। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि दही ना फटे हमारा। अगर नहीं चलाएंगे तो दही फट जाता है। इस तरह से इसको चलाते रहें, जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक इसको भूनते रहना है। मसाला भून चुका है, अब इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। मिर्च अपने हिसाब से डालें, आप कम ज़्यादा जितना खाते हो आप। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल एग करी बनेगी, ढाबों में इसी तरह से बनाई जाती है। अब इसमें हमने पानी डाल देना है, जितना पानी आपको कम ज़्यादा गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए उस तरह से आप पानी डाल लें उस हिसाब से। अब इसको उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें अंडे डालेंगे हम। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हमने अंडे डाल देने हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि अंडों में अच्छे से हमारे नमक मिर्च लग जाए। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको ढक के उबलने देंगे। अंडा करी हमारी हो चुकी है, हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप इसको और पका सकते हो थोड़ी देर। अब हम गैस को बंद कर लेंगे, ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो लीजिए, हमारी अंडा करी खाने के लिए तैयार है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावल का साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।